हे गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज हम लोग घूमने जा रहे हैं फटिंडा फॉल, जो कि मुनिडी के पास में ही है, हमारे घर से काफ़ी नज़दीक है। तो आज हम लोग वहाँ पे चलेंगे, जल्दी से तैयार हो जाते हैं, फिर हम लोग आगे दिखाते हैं। एक फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कि वो फ्रेंड कौन है। तो चलिए फटाफट तैयार हो जाते हैं और फिर आगे आपको फटिंडा फॉल पूरा दिखाते हैं। घर से निकलते ही थोड़ी दूर चलते ही फिर पहुंच जाएंगे हम लोग फटिंडा फॉल। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं केंदुआ, जो कि केंदुआ मार्केट यहाँ पे हमारे आसपास का सबसे बड़ा मार्केट है, यही है। उसके बाद फिर देखिए, यहाँ पे रास्ता में हम लोग को दिख रहा था कुछ कलश यात्रा चल रहा था, तो वो भी आप लोगों को दिखाते चले। देखिए बहुत ही अच्छा कलश यात्रा यहाँ पर चल रहा है, जो कि हमारे घर के आसपास में है, नज़दीक में ही है। उसके बाद देखिए, यहाँ से हम लोग ये दो रास्ता चला जाता है, एक सीधा वाला चला जाता है कतरास, और लेफ्ट साइड चले जाते हैं हम लोग पुटकी साइड। तो यहाँ से हम लोग पुटकी साइड में ही हमारा फटिंडा फॉल पड़ता है, ये हमारे घर के पास में है, जो ही नेहरू पार्क है। यहाँ पे मॉर्निंग में सारे लोग आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। उसके बाद देखिए, यही गेट से आप लोगों को घुसना होगा, मुनिडी गेट से। जब आप लोग पुटकी पार करोगे तो आपको इस गेट से घुसोगे, तो ऐसे ही रास्ते से सीधे चलते चले जाओगे तो आपको डायरेक्ट फटिंडा फॉल आप लोग पहुँच जाओगे। देख सकते हैं लोकेशन, यहाँ पर फटिंडा फॉल का आपको बैनर भी दिख रहा होगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुँच गए फटिंडा फॉल, जो कि छोटा सा पार्क भी है यहाँ पर। ये देखिए आप, लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। हाय गाइस, हम लोग फटिंडा फॉल पहुंच चुके हैं। मेरे साथ मेरा चचा है, दोस्त है नवीन, हम लोग सब शुरू से ही साथ में पढ़े लिखे हैं। तो बोल तो सोचे कि चलो आज कहीं घूम के आते हैं, तो फटिंडा फॉल आ चुके हैं। फिर आपको यहाँ का सारा कुछ दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा लोकेशन है, यहाँ पर शूटिंग के लिए भी आ सकते हैं, बहुत सारे लोग शूटिंग के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। यदि शूटिंग स्टार्ट हो जाता है आपको दिखाते हैं। चलिए ब्लॉग में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब सब कर दीजिए, बेल बटन फोड़ दीजिए सब। अरे कहना क्या चाहते हो। जैसे ही आप लोग यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पे एक मूर्ति देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ बगल में एक गणेश जी का मंदिर भी है। और आप लोग अब आप लोग यहाँ पे नज़ारा देखो, लुक देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही अच्छा लोकेशन है। जैसा कि आपको बताए थे कि यहाँ पे शूटिंग वगैरह भी होता रहता है, तो देखिए यहाँ पे शूटिंग स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे कैमरामैन सारा सेटअप कर रहे हैं, सारा लोकेशन देख रहे हैं कि कौन सा लोकेशन अच्छा है। यहाँ पे कैमरामैन भी जो है वो बिक्की बाबा है, वो हमारे घर के पास में ही रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट शूट हो रहा है, यहाँ पे शूट नंबर वन यानी कि टेक वन चल रहा है, जो कि वहाँ से चलते हुए आगे की ओर आ रहे हैं। बहुत ही बोलबम का गाना यहाँ पे शूटिंग हो रहा था, जो कि बंगला लैंग्वेज में आने वाला है कुछ टाइम के बाद। उसके बाद देखिए ये आपका फिर सेकेंड लोकेशन पे शूट नंबर टू चल रहा है, यानी कि टेक टू चल रहा है। यहाँ पे रेगुलर्स ऐसे ही बहुत सारे गाने का शूटिंग चलता रहता है। तो ये यहाँ पे बोलबम का बंगला वर्जन में ये शूटिंग चल रहा था। बहुत ही अच्छा लोकेशन है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। और भी देखो सीन बहुत अच्छे हैं, आप लोग इसका भी लिख लो। Thank you.
यहाँ पे देखिए एक बच्चा जो है वो मछली पकड़ रहा है, कितना ये गहरा भी बहुत ज़्यादा है, तो कितना इसका प्रैक्टिस देखिए और इसका परफेक्शन देखिए, इतने गहरे पानी में भी वो आसानी से तैर करके मछली पकड़ रहा है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सपोर्ट भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।